अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल का दावा करने वाले एक्सप्रेस न्यूज़ ने एक गलत खबर नशर कर दी। उन्होंने अपनी खबर में बताया कि बाहर से आने वाले मेडिकल डॉक्टर्स अब अस्पतालों में प्रैक्टिस कर सकेंगे, इससे पहले उनको प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं थी। शिका नंबर 48 और 60 गैर कानूनी है। जस्टिस साजिद सेठी लाहौर हाईकोर्ट में उन्होंने 26 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया, उसके मुताबिक अब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान फॉरेन डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट डॉक्टर जुहैब लियाकत शाह ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने केस किया था क्योंकि इससे पहले वो डॉक्टर्स जो बाहर से तशरीफ लाते थे और उनके FSC मार्क्स 60% से कम होते थे तो उनको प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं होती थी और न उनको PMDC का एग्ज़ाम देने की इजाज़त होती थी। दूसरी बात यह है कि जब वो बाहर जाते थे तो उनको PMDC से एक यूनिवर्सिटी लेने की ज़रूरत होती थी और वो भी गैर कानूनी है। तो इन दो शकों के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है कि जब वो बाहर से आएंगे वो डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए एक्सप्रेस न्यूज़ को चाहिए कि इमीडिएटली अपनी न्यूज़ चेंज करें और सही न्यूज़ लोगों को दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान के सारे डॉक्टर्स इस बात से हैरान हैं कि कैसे बाहर से आने वाले डॉक्टर्स डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।